बाप ते बेटे ते रूह पाक दे नां दे आमीन। सारिआं नूं जैसस मसीह दी सति श्री अकाल आदाब नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड ईवनिंग। मैं हाँ तुहाडा अपना सेवियर माइकल और स्वागत है तुहाडा इस यूट्यूब चैनल दे विच जिसका नाम है जीसस अवर सेवियर मीडिया मिनिस्ट्री यूके। तो लो जी सारिआं नूं सब तो पहला तो नवे साल दीआं तुहानूं लख लख वधाइयां। खुदावन तुहाडी जिंदगी दे विच नवा साल एक मुबारक लैके आवे। तुहाडे जो भी फ्यूचर प्लैन हैगे आ प्रभु यीशु मसीह अपने शाही खजाने के सारिया जरूरत अपने शाही खजाने के पूरी कर और नवा वास्ते तुहाडे वास्ते तुहाडे परिवार के वास्ते मुबारक होवे। और एक बार फिर मेरी वालों मेरे पूरे परिवार की तरफ तो और साडी मीडिया मिनिस्ट्री वालों तुहानू सारिया नू नवे साल दीआं लख लख मुबारक। आओ आप पहला नवे साल तो पहला आप एक नवे साल से आप पहला सब तो पहला खुदावन का शुक्रगुजार करिए, खुदावन का शुकराना करिए कि खुदावन ने सानू अज का यह मौका दिता है, यह नवा साल साड़िया जिंदगी बख्शिया है कि बीते दिन बीते सालों के जिस तरह प्रभु ने साड़ी हिफाजत निगेबानी की। आओ हुण प्रभु दे अगे दुआ करिए कि यह जिहड़ा नवा साल साड़े वास्ते आया यह साड़े वास्ते साड़े परिवारों के वास्ते साड़िया फैमलियां के वास्ते साड़े यारां दोस्तों के वास्ते पूरी दुनिया के वास्ते यह मुबारक होवे। आओ अपने 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 सिरां नूं खुदावंद दी हजूरी दे विच झुकाइए। बाप अते बेटे ते रूह पाक दे नां दे उत्ते आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदा इब्राहिम इसहाक यकूब दे खुदा दुनिया दी खालिक ते मालिक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर असीं तेरा शुक्र करदे आं, तेरी तारीफ करदे आं कि सानूं दुआ करन दा मौका दित्ता कि असीं तेरा पाक ना लै सकीए। ऐ पिता परमेश्वर असीं शुक्र करदे आं कि अज दा नवां साल तुसीं सानूं दित्ता है पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर जी इस साल नूं नहीं दे सके, कई बार साड़िया फैमलिया के मैंबर भी पिता परमेश्वर जी तुहाडे कोल आ चुके ने पिता परमेश्वर जी, और असी पिता परमेश्वर तुहाडा शुक्र करदे आ कि यह नवा साल तुसीं सानूं दिखाया है पिता परमेश्वर जी। इस नवे साल दे विच मैं प्रभु जी पूरी दुनिया के लोगों वास्ते दुआ करदा हाँ पिता परमेश्वर जी, सारी दुनिया के विच अमन अते चैन हो जाए पिता परमेश्वर जी, सब लोग आपस के विच प्यार अते मुहब्बत दे नाल रहण। यह नवा साल सबना मुल्कां वास्ते मुबारक होवे पिता परमेश्वर जी। खास करके दुआ करदा खुदा जी इंडिया ते पाकिस्तान दे लई पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी तुसीं इन्हां मुल्कां दे हालातां नूं जाणदे हो पिता परमेश्वर जी, इन्हां मुल्कां दे उपर तुहाडा पाक अते पवित्र हत्थ होवे पिता परमेश्वर जी। यरूशलम वास्ते खास दुआ करदा खुदा जी, फलस्तीन वास्ते दुआ करदा, यूक्रेन वास्ते रशिया वास्ते दुआ करदा पिता परमेश्वर जी। इन्हां मुल्कां दे विचों लड़ाई झगड़े दूर हो जाण पिता परमेश्वर जी, आपस दे विच लोक प्यार अते मुहब्बत दे नाल रहण पिता परमेश्वर जी। पाकिस्तान दे लई खास दुआ करदा पिता परमेश्वर जी, जबकि पाकिस्तान दे विच बहुत सारे भैन भरा खुदाब जी इस वेले गरीबी का खुदाब जी अपना देख रहे हैं खुदाब जी, क्योंकि उत्थे महंगाई बहुत हो चुकी है पिता परमेश्वर जी। उस मुल्क के उपर भी तुहाडा पाक ते पवित्र हाथ होवे पिता परमेश्वर जी, ता जो तेरे बच्चे पिता परमेश्वर जी आराम दे नाल रहण पिता परमेश्वर जी। सब का भला करो, सब दियां जरूरतां नूं पूरा करो। ऐ पवित्र आत्मा मैनूं गाइड करो ता जो मैं प्रभु का वचन ईमानदारी दे नाल वफादारी दे नाल अते सच्चाई दे नाल सारी दुनिया दे विच तुहाडे नाम का प्रचार कर सकां। दुआ ने सुनिया ते कबूल कीता यीशु नासी दे नाम दे विच मंगदे आ आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ते लो जी आपां हुण करदे आ अपने प्रोग्राम दा आगाज। मैं हां तुहाडा होस्ट ते दोस्त सेवियर माइकल। ता थोड़ा जिहा आपां तुहाडे नाल गलबात भी करांगे, दुनियावी गल्लां भी करांगे तुहाडे नाल, ते तुहाडे नाल खुदा दीआं गल्लां भी बाइबल दे विचों भी गल्लां करांगे। और नवां साल शुरू हो चुका है, तुहाडियां बहुत प्लानिंगां होणियां इस नवें साल नूं लै के कि असीं नवें साल दे विच आ करना जां असीं की करना है की नहीं करना। पर जदों असीं अपनियां प्लैनिंगां जिहड़ियां आ ओह असीं खुदावंद दे हत्थ दे विच रख दिंदे आ ना, तां फिर साडियां सारियां प्लैनिंगां जिहड़ियां कामयाब हुंदा। जदों असीं खुदावंद दा वचन पढ़दे आ यरमिया नबी दा ग्रंथ उहदी 29 उहदा 29 बाप असीं पढ़दे आ 11 आयत तों ला के, तां उत्थे प्रभु यीशु मसीह ने खुदा बाप ने साडे वास्ते जिहड़ा हैगा की आखदे ने प्रभु खुदा बाप साडी कहिंदा इह मैं इस लई आखदा हाँ क्योंकि मैं उहनां व्योतां नूं जाणदा हाँ जिहड़ियां मैं तुहाडे लई बणाईआं हन। यह संदेश यहोवा वालों है, मेरे पास तुहाडे लई चंगीआं व्योतां हन, मैं तुहानूं दुख देण दी व्योत नहीं बणाउंदा, मैं तुहानूं उम्मीद अते चंगा भविख देण दी व्योत बणाउंदा हाँ। फिर तुसीं लोग मेरा नाम लवोगे, तुसीं मेरे कोल आवोगे अते मेरे अगे प्रार्थना करोगे अते मैं तुहानूं सुणांगा। तुसीं लोग मेरी तलाश करोगे अते जदों तुसीं पूरे दिल नाल मेरी तलाश करोगे तुसी मैनू लभ लवोगे। ये खुदा दा पाक ते पवित्र वचन है।
देखो जदों इंसान अपने लिए प्लान बनाते हैं ना, जब मैं कोई प्लानिंग करता है, जब तुसी किसी लिए प्लानिंग करते, जब असी अपने घर वास्ते कोई प्लानिंग करते, कोई भी जदों जदों असी प्लानिंग अपनी करते हैं ना, तां वो प्लानिंगां सारियां अपनियां फेल हो जांदियां। पर जदों असी अपनियां प्लानिंगां नूं, अपने प्लान नूं खुदावंद दे अगे रख दिंदे हैगे आ, जां जदों साडे लई खुदावंद साडे लई प्लान करदा हैगा सारा कुछ, तां वो जिहड़ा हैगा फिर काम जिहड़ा साडा कामयाब हुंदा है। ठीक है ना, इत्थे वचन दे विच लिखिआ ना कि प्रभु ने कहा है कि जो मैं तुहाडे वास्ते व्योहता बनाउणा, मैं तुहानूं दुख देण दी व्योहत नहीं कोई बनाउणा। प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप साडे लई दुख सानूं नहीं देना चाहुंदे। बाइबल दे विच लिखिआ गा, आपां हुणे पढ़िआ कि जदों तुसीं मैनूं ईमानदारी दे नाल, वफादारी दे नाल, प्यार दे नाल मैनूं तलाश करोगे ना, तां मैं तुहानूं लभ जावांगा। असीं इह करना हैगा। इस साल दे विच पुराना साल जिहड़ा साडा लंघ गिआ, उह बीत गिआ, उहदे वल हुण आपां देखणा नहींगा। पर इह जिहड़ा नवां साल साडीआं जिंदगीआं दे विच आया आ, जे असीं प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं लभ सके, हुण आपां लभणा आ। प्रभु यीशु मसीह नूं लभण दा तरीका तुहानूं मैं दसण लगा हैगा आ कि प्रभु यीशु मसीह असीं लभणा किद्दां हैगा आ। असीं अपने पूरे दिल दे नाल, पूरे ईमान दे नाल प्रभु यीशु नूं किद्दां लभणा हैगा आ, प्रार्थना करके, खुदा दा वचन पढ़ के। जदों असीं खुदा दा वचन पढ़दे हाँ, जदों असीं पवित्र बाइबल नूं पढ़दे हाँ, उदों असीं खुदा दे नाल गलबात करदे हाँ। जदों असीं प्रार्थना करदे हाँ, उदों असीं खुदा नाल गलबात करदे हाँ। जदों असीं बाइबल नूं पढ़दे हाँ, असीं खुदा नूं जानना शुरू करदे हैगे हाँ। तां इह चीज़ां जे तुसीं पिछले सालां दे विच नहीं कीतियां, जे तुसीं पवित्र बाइबल नूं नहीं पढ़िया, तां इस साल दे विच प्रभु दे वचन नूं पढ़ना शुरू करो। मैं बहुत वारी अपने प्रोग्रामां दे विच तुहानूं दसदा हैगा कि जिन्ना चिर असीं बाइबल नूं नहीं पढ़दे, तां सानूं खुदावंद दी जिंदगी दे बारे पता नहीं लगना। जे कल्ला सुनना ही आ ना, तां उह चंगी गल नहीं कि तुसीं अपने प्रचारकां दे अगे जाके बैठ के बस उत्थे हथ जुड़ के बह गए, उत्थे जाके घंटा दो घंटे प्रार्थना कर लई उठ के तां आ गए। नहीं, खुदावंद दे नज़दीक जाण दे लई, खुदावंद दी तलाश करन दे लई तुहानूं आप ही लभणा पवेगा। खुदावंद नूं आप ही बाइबल नूं पढ़ना पवेगा। तुहाडे वास्ते कोई नहीं लभेगा, क्योंकि वचन दे विच लिखिआ कि हर इक दा हिसाब होणा, तुहाडा अपना हिसाब होणा आ, तुहाडे पास्टर दा, तुहाडे प्रीस्ट दा, कैथलिक प्रीस्ट दा, जां तुहाडे धर्म गुरुआं दा अपना अपना हिसाब होणा हैगा। मेरा अपना हिसाब होणा, मेरे बच्चिआं दा अपना, मेरी वाइफ दा अपना, मेरी माँ दा अपना, मेरे बाप दा अपना, मेरे भैण भरावां दा अपना। इसे तरह ही तुहाडे सारिआं दा अपना अपना हिसाब होणा हैगा आ। तां खुदा दा वचन नूं जरूर पढ़ो। जे तुसीं पुरानी जिंदगी दे विच कोई गलत काम कीते हैगे अपनियां जिंदगियां दे विच, फॉर एग्जाम्पल लै लो, आपां कई वारी गलत काम किस तरह आपां करदे हैगे आ, झूठ बोलदे आपां बहुत ज़्यादा, जलस करदे एक दूजे तों, ठीक है, एक दूजे नूं चंगा नहीं समझदे आपां, चोरी करदे हैगे आ, होर भी बहुत सारे जिहड़े गलत काम करदे हैगे आपां। जे तुसीं पुराने साल दे विच बहुत सारे इदां दे काम कीते आ, तां आओ अज इस नवें साल दे विच आपां इह कम्मां नूं छड़िए, कोशिश करिए, खुदावंद दे कोलों आपां ताकत मंगिए, हिम्मत मंगिए कि प्रभु जी मैं बहुत कमज़ोर हाँ, मैं गुनाह करना नहीं चाहुंदा प्रभु जी, पर मेरे कोलों गुनाह हो जाता हैगा। असीं प्रभु कोलों हिम्मत मंगनी हैगी आ कि प्रभु जी साडे गुनाहां नूं, साडियां गलतियां खतावां नूं माफ़ करो। इंसान जिहड़ा है ना, वह गलतियां का पुतला है। कोई भी इंसान इस दुनिया दे विच कंप्लीट नहींगा, हर एक इंसान गलती करता हैगा आ। जिन्ने भी कोई धर्म गुरु आ, कोई प्रचारक आ, कोई प्रीस्ट आ, कोई प्रास्टर आ, कोई प्रॉफिट आ, कोई अपोस्टल आ, जिहड़े कहिंदे हैगे कि असीं तां जी कदी असीं पापी जिंदगी छड्ड दित्ती आ, असीं हुण पाप नहीं करदे, पर खुदा दा वचन कहिंदा कि जिहड़ा इस तरह कहिंदा उह सब तों वड्डा पापी आ। आपां कोशिश करनी आ, खुदावंद कोलों हिम्मत मंगनी आ, खुदावंद कोलों ताकत मंगनी आ, खुदावंद जी मैनूं हिम्मत ताकत दवो कि मैं इन्हां बुरियां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी दे विचों छड्ड दवां, और इह जिहड़ा साल मेरा एक नवां साल मेरे लई आया है, ये मेरे वास्ते मुबारक होवे। मेरे जो भी प्लैन हैगे आ परमेश्वर जी, ये प्लैन मैं तुहाडे हत्थां दे विच दिंदा हाँ, तुहाडे पैरां दे थले रख दिंदा प्रभु जी। मेरे इन्हां प्लैनां नूं तुसीं कामयाब करो। जदों प्रभु यीशु मसीह नूं असीं अपने प्लैन अपनी खुदावंद दी हजूरी दे विच लै के, खुदावंद जी आह मेरा प्लैन है, इहनूं तुसीं कामयाब करना है, तां कदी भी तुहाडे प्लैन जिहड़े आ फेल नहीं होवेगे। पर जदों तुसीं अपने प्लैन अपनी मर्जी दे मुताबिक करना चाहुंदे आ, तां फिर उहनां दे विच सानूं नाकामी मिलती है, नाकामयाबी मिलती हैगी आ, उहदे विच असीं कामयाब नहीं हुंदे। पर जदों उही प्लैन जिहड़े आ असीं प्रभु दी हजूरी दे विच रखदे आ, जे साडे कोई फैमिली च प्लैन हैगा, अपनी फैमिली नूं इकट्ठे हो के सारे जणे दुआ करो कि प्रभु जी आह मेरा प्लैन आ, आह मेरा फ्यूचर प्लैन आ,
ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗਲਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ। ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਲੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਜਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸੀਓਂ ਕੇ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਓ ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਸ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨ ਆ, ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਲੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਆਓ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ,
कि साड़ियां कंट्रियां दे विच जो भी हो रहा खुदावन जी इन्हां खत्म करो ता जो लोग आपस दे विच प्यार अते मुहब्बत दे नाल रहण। आ जिहड़ी मंगियाई हो रही है साड़ियां कंट्रियां दे विच उहदे लई भी प्रार्थना करिए खुदावन दे अगे कि इस मंगियाई नूं पिता परमेश्वर जी खत्म करो ता जो सारे लोग जिहड़े आ उह अच्छे तरीके नाल रह सकण। ते मैं उम्मीद करदा कि अज दे इस प्रोग्राम नूं तुसीं जरूर पसंद कीता होवेगा, कमेंट करके जरूर दसना और ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो नूं शेयर भी करना और इस चैनल नूं सबसक्राइब भी करना क्योंकि इस चैनल ते बैठ के सिर्फ तुहाडे नाल सच्चियां गल्लां कीतियां जांदियां अकॉर्डिंग टू होली बाइबल। इत्थे बैठ के तुहाडे नाल यही असीं गल करदे कि असीं बड़ी ईमानदारी दे नाल वफादारी दे नाल सच्चाई दे नाल असीं प्रभु यीशु मसीह दा प्रचार पूरी दुनिया दे विच करदे आ। एक बार फिर मैं तुहाडे इस जिहड़ा नवां साल तुहाडे वास्ते आया अपनी इस मिनिस्ट्री वालों जिसका नाम है जीसस अवर सेवियर मीडिया मिनिस्ट्री यूके वालों तुहानूं मैं इस नवे साल दियां लख लख मुबारकां दिंदा अपने परिवार की तरफ तो भी। खुदावन तुहाडियां सारियां जरूरतां नूं अपने शाही खजाने दे विचों पूरियां करे। गॉड ब्लैस यू ते नवां साल तुहाडे वास्ते तुहाडे परिवार दे वास्ते मुबारक होवे। गॉड ब्लैस यू ऑल। प्रार्थना करदे आपां बाप अते बेटे ते रूह पाक दे नां उत्ते आमिन। ऐ साडे बाप जो तू आसमान उत्ते है तेरा नाम पाक मन्निया जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान उत्ते पूरी हुंदी है तेरी जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज़ दी रोटी अज सानू दे साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरां नूं माफ करदे हां सानू अजमैश विच ना पा सगों बुरियाई तों बचा आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी हुई खुदावन तेरे नाल है तू औरतां विचों तन है नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हज़रत मरियम खुदा दी माँ असा गुनाहगार लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले आमीन। बाप अते बेटे ते रूह पाक दी वडियाई होवे जिहड़ी मुंडो सिर ते हमेशा होवेगी आमीन। बाप अते बेटे ते रूह पाक दे नाम दे उत्ते आमीन। एक बार फिर तुहानूं सारयां नूं हैप्पी न्यू ईयर। ये 2024 तुहाडे वास्ते खूबसूरत होवे और तुहाडियां फैमिलियां वास्ते। गॉड ब्लैस यू ऑल।